लीजा क्या हुआ? कुछ नहीं, कॉकरोच है कॉकरोच। मालिक आप कहें तो इस कॉकरोच की यही मौत चोद दूं। ये तमीज सिखा रहा हो तुम अपने घर के नौकरों को? गाली बकरी है ये। अरे बहनोई साहब, कॉकरोच को ही तो गाली बकरा है, आपको थोड़ी बकरा है। छोड़ो। हाँ फिर भी मैं इस कॉकरोच के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। रामू तू आजकल बहुत बोल रहा है। अरे बहनोई साहब, हमें तो आपके बीच में बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम आपके नीचे दबे पड़े हैं। हमारी बहन जो है आपके घर। रामू सॉरी बोलो बहनोई साहब से। सॉरी। इट्स ओके। जाओ नाश्ता लगाओ। अरे मालिक यार, दूसरे दिन तो ही यहाँ पे आ जा मैं, और मुझे पता किस लालच से आम है यहाँ पे, तुम बार बार इनका नाश्ता कराओ। रामू मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े वाले जलील हैं, सुअर हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़ी भोसड़ी के, लेकिन हम इनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि ये हमारे बहनोई साहब हैं, हमारी बहन है इनके घर पे। तो तुम जाओ और नाश्ता लगाओ। अरे यार मालिक, मुझे अच्छा नहीं लगता इनका बार बार का नाटक है नाश्ते पास्ते का। यार देख रामू, मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े वाले जलील है। अबे ओए, क्या बदतमीजी है, बार बार मेरे मुंह पे जलील कर रहा हूँ, दो मिनट में धक्का दे दूंगा तेरी बैंक में। तुम भी पागल हो कैसे, मेहमान की बेइज्जती करे आ रहे हो, और तू बहुत देर से बोले आ रिया, जा जाके नाश्ता लगा। ठीक है, इस बार ऐसा नाश्ता लगाऊंगा कि अगली बार नाश्ता करने लायक ही ना बचोगे। क्या 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 गया ये, तुमने बहुत मुंह पे चढ़ा रखा है इस घर के नौकरों को। अरे कुछ नहीं कहा बहनोई साहब, बच्चे वाली बात है, छोड़ो। लो मालिक साहब ये आप खाओ, ये भूपा जी आप खाओ। एक काम करो साले साहब, ये वाली तुम खाओ और ये वाली हम खाते। एक मिनट साले साहब, ये तुम खाओ और ये वाली हम खाएं। एक मिनट साले साहब, चेंज ही कर लो। साले साहब वो ही वाली दे दो मुझे। साले कुत्ते सुअर। अरे अरे बहनोई साहब, क्यों मार रहे हो इसे बेचारे को? बस साला जहर मिला के लाया इसमें। अरे यार ऐसा कैसे हो जाएगा मालिक, देख रहे हो, खा के देख लो तुम। साले साहब तुम खा के दिखाइयो जरा। एक सेकंड इसमें और खा के देख लो। लो कुछ हुआ यार, खाली मुली में बातें कर रहे हो यार। नोटी नोटी मजाक कर यार साले। साला कुत्ता, दूसरे तीसरे दिन यही आ जाओ और हमें ही सुना बे। ऐसा भी ना है, चुप जाओ, कभी कभी तो हम है बेचारे। न चली तू यहाँ से? ए, मुझे लगा मालिक यार पता ना क्या हो गया, मैंने कुछ मिलाया थोड़ी है इसमें। आओ मालिक। मालिक एक बार यार वाला खेल खेलेंगे, जंगल को जाओगे? अबे जा चल, मेरा वैसे दिमाग खराब है। मालिक एक बार प्लीज, मालिक एक बार ना, एक बार ही यार, प्लीज प्लीज मेरे लिए एक बार मालिक। चल बता, जंगल को जाओगे? हाँ जाऊंगा। शेर पकड़ के लाओगे? ले आऊंगा। डरोगे तो ना? ना डरूंगा। डर गए साला नोला भाई ऐसे। यार मालिक उदास लग रहा हो तुम, क्या मामला बताओ हमें बताओ। अरे तेरी क्या होगा, तू तो खुद नौकर है। लेकिन फिर हाँ चलो छोड़ो, हम तो नौकर हैं, छोड़ो। एक मिनट रामू सुन, वैसे यार तू मेरी टेंशन दूर कर सकता। कौन सी टेंशन? यार रामू कल मैंने स्कूल में यार एक लुंडिया छेड़ दी, तो बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। अब प्रिंसिपल कह रही है आजा साले अपने बाप को बुला के लेके आ। तो ठीक है मैं मालिक को भेज देता हूँ तुम्हारे स्कूल। अरे यार यही तो दिक्कत है, उन्हीं को तो ना लेके जा सकता, वरना वो स्कूल में ही मारेंगे मुझे बहुत। तू चल यार मेरे साथ स्कूल, मेरा बाप बन के। अरे नहीं यार, मैंने मालकिन को आज तक इस निगाह से नहीं देखा। नेवले साले एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, बाप की एक्टिंग करनी है बस। एक्टिंग तो वैसे मैं बढ़िया कर लेता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ फोटो भी है मेरा, और बाहुबली देखी है तुमने? उसमें जो कटप्पा का सीन है ना, वो मेरा ही है। अरे साले उसमें तो कोई गंजा था ना? वो तो उन्होंने एडिटिंग से सिर काट दिया मेरा, उसका लगा दिया, बाकी तो मैं ही हूँ, शरीर मेरा ही। अबे तू अपना शरीर देखिए जरा ना, पहले तो बढ़िया था, अब हो गया दुबला, मुट्ठी पेल लिया उन्होंने इन दिनों। हाँ चल जो भी है तू मेरे साथ चल। अरे यार गड़बड़ हो गई तो पकड़े जाएंगे, लकड़ी और फंस जाएगी। अबे यार क्यों होगी गड़बड़, तू तो बस ये कहती है बोले हाँ साहब हमारे लोंडे की गलती है, आज के बाद ना होगी। यार यार पार कुछ ना, तू चल बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप हैं इनके फादर? आपको पता है यहाँ क्यों बुलाया गया है? नहीं।
आपका लड़का नंबर एक का हरामी है, पढ़ने में तो ये जीरो है और नक्शेबाजी में हीरो है। और आपको पता है ये टीचरों के पीछे टीचरों को गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है उन्हें। साले नेवले, ये तमीज है तेरी? बेंचर टीचर मतलब एक तरीके से अधिकारी पुलिस वाले हो मैं ये भी साले। सुअर इन्हें जरा अदब दिया जाता, जानवर पुलिस है ये, इंस्पेक्टर साहब है अपने। सॉरी सर, मैं माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से। और तो और इसने 3 महीने से अपनी फीस जमा नहीं करी है। ना ना, इसमें इसकी कमी ना है, वो तो हमारी कमी रही है थोड़ी सी, जरा काम मद्दा चल लिया इन दिनों। और सबसे बड़ी बात, इसने हमारे स्कूल में लोंडिया छेड़ी है, आज तक हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, ये साला लड़कियों के टॉयलेट में नंबर लिखता है। चोर, कौन सा नंबर लिखता है जरा डायल कर इसे। ये क्या कर रहे हो आप? अरे देख तो लो, सही लिखता है गलत लिखता है यार, कैसी कैसे हो जाएगा। अरे कैसे बाप हो आप, इसके लड़कियों के नंबर आपको मानना चाहिए इसे। अरे अरे इतना भी मत मारो यार, हमारे स्कूल पे पुलिस केस हो जाएगा। अरे नहीं यार, ये टीचरों का अदब नहीं करता, मतलब टीचर साले ये एक तरीके से तू इन्हें डीएम मान ले, अधिकारी है ये, बहुत बड़े पोस्ट पे है ये, तू इन्हें। अरे अरे सर सर रुक जाइए सर, तुम रुके रहो यार, अभी ये जानते ही नहीं टीचर क्या होता है एक तरीके से। सुअर टीचर मतलब दुनिया की पुलिस होती है, दुनिया की पुलिस से भी बड़ा टीचर होता है, जानवर तो इनकी इज्जत नहीं करता। अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था, आपके लड़के की तो कोई गलती ना, मजाक कर रहा मैं, कोई गलती नहीं है आपके लड़के की, बहुत सीधा लड़का है आपका। साले बावला कौन है बहन, जितनी देर से लंड को पिटवा दिया तूने, सीधा बता रही है तू, अब चल बेटे। कैसी रही एक्टिंग माले? साले सुअर, इतना तो मेरा असली बाप भी ना मारता इतना तूने मारा। बे यार फिर ओरिजिनल ना लगता ना यार, समझ लो। रामू गिर गया, रामू गिर गया। तू तो गई।